Hello everyone, welcome to Math Solution. I'm here to solve your math problems. Chapter number 1, knowing our numbers. Let's start. Exercise 1.1. Last videos में हमने 3 questions solve कर लिए थे. आज हम 4th question solve करेंगे. Insert commas suitably and write the names according to international system of numeration. इसमें उसने बोला है कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसमें कॉमास पुट करने हैं और नंबर नेम्स में लिखना है. हमारे पास फर्स्ट फिगर कौन सी है? 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2. तो हमारे पास अब फिगर्स में हम कॉमास कैसे पुट करेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा. देखिए 78 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. और 6 जीरोस किस में होती हैं? मिलियन में. तो हम कैसे लिखेंगे? 78 million. और आगे देखिए कॉमास के अंदर है 921. तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे 921. और उसके बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3. हम लिखेंगे 921. और कितने डिजिट से? 1, 2, 3. यानी ये थाउजेंड्स में बन गया. हम यहाँ लिखेंगे 921,000. नेक्स्ट आगे हमारे पास फिगर बन गई 092. तो देखो हम इसको ज़ीरो को लीव कर देंगे क्योंकि हम ऐसे तो लिख नहीं सकते 092. हम लिखेंगे 92. तो यहाँ हम लिखेंगे 92. तो चलिए हम पढ़ के देखते हैं अभी कैसे. 78,921,092. देखो नीचे भी हमने ऐसे ही लिखा है ना, 78,921,092. नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फिगर है 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3. तो कॉमास पुट करते हैं 3 के बाद, फिर 3 के बाद. यहाँ पे हमारे पास 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानी कि 6 कितनी किस में होते हैं? मिलियन में. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 million. आगे कॉमास के अंदर क्या है? 452. तो यहाँ हम लिखेंगे 452. आगे हैं 3 डिजिट यानी कि 1000. यहाँ हम 1000 लिख देंगे. कैसे लिखा? 7,452,000. आगे कितना है? 283. तो यहाँ हम लिखेंगे 283. तो क्या हमारा बना? ठीक है, 7,452,283. नीचे भी ऐसे लिखा हमने 7,452,283. थर्ड पार्ट में हमारे पास फिगर है 9,9,9,8,5,1,0,2. तो कॉमास पुट करते हैं 3 के बाद, 3 के बाद. अब देखिए 99 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. और 6 डिजिट फिर दोबारा मिलियन में ही होते हैं. तो हम कैसे लिखेंगे? 99 million. आगे कॉमर्स के अंदर कितनी फिगर है? 985 यानी 985. आगे कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3 यानी कि 985,000 हो जाएगा. हमने 1000 लिखा. उसके बाद है 102. हम यहाँ पे लिखेंगे 102.
चलिए देखिए स्टार्ट देखो कैसे किया हमने 99,985,102 नीचे भी हमने ऐसे ही लिखा ना 99,985,102 आगे डी पार्ट हमारे पास है क्या फिगर है 4804,9,831 चलिए कॉमास पुट करते हैं थ्री के बाद 48 के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 48 मिलियन हो गया हम लिखेंगे 48 मिलियन 48 मिलियन देखिए आगे क्या है कॉमर्स में 049 जीरो हम लीव कर देंगे क्योंकि 049 तो लिख नहीं सकते ना हम लिखेंगे 49 उसके बाद क्या है तीन डिजिट तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे इसके बाद फिर है 831 यानी 831 अब मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करने चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली आ जाए तो आपने कॉमास 2-2 के बाद करने पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद ऐसे करना है और अगर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली आ जाए तो 3 के बाद और इसको सॉल्व भी ऐसे ही करना है देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 8 के बाद कितने डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 किस में होते हैं करोड़ में हम यहाँ पे लिखेंगे 8 करोड़ और 75 के बाद कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ 75 लाख और अगले कॉमर्स में 95 है हमारे पास और किस बाद कितने डिजिट हैं 1, 2, 3 यानी 1000 हो गया हम लिखेंगे 95,000 और आगे है 762 इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली अब कैसे होते हैं 3 के बाद कॉमा यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 7 के बाद कितने डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी मिलियन तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 मिलियन और कॉमर्स में क्या है 452 आगे तीन डिजिट हैं तो 1000 आ जाएगा ना 52,000 बन जाएगा और 283 अब मुझे लगता है कि आपको दोनों में से जो क्लियर हो गया होगा कि इंडियन सिस्टम में हमारे पास कॉमास कैसे लिखने और हमने उसको कैसे नंबर नेम्स में लिखना और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने कैसे लिखना है कॉमास कैसे पुट करने हैं और उसको नंबर नेम्स में कैसे लिखना है इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न रहनी नहीं चाहिए अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको रीप्ले करके देख ले आपको समझ में आ जाएगी आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कम्प्लीट होती है 1.1 सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं और इसको दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये कभी भूले ना थैंक यू हैव अ नाइस डे